देखिए आज जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, यानी कि जब किसी कंडक्टर को ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, यदि उस पर चार्ज रेस्ट में रहेगा तो क्या क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला है कि यदि कोई कंडक्टर होता है उस पर चार्ज देते हैं तो क्या है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है कंडक्टर के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। ठीक है, कि कोई भी कंडक्टर हो, किसी भी शेप का हो, ठीक है स्फीयर हो, ठीक है क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, किसी रेगुलर शेप हो या फिर इरेगुलर शेप हो, ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में क्या है कि देखिए कि एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड मस्ट बी नॉर्मल एट द सरफेस एट एवरी पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी सरफेस पे क्या होता है, नॉर्मल होता है ना। ये ऐसा क्यों होता है कि सपोज कीजिए कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट हो किसी सरफेस पे, ठीक है तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये सरफेस पे क्या है, चार्ज है। यदि चार्ज है तो क्या लगेगा, ए फिजिकल टू क्या लगेगा, क्यू ई फोर्स लगेगा, है ना। क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि ये सरफेस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा तो उसपे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। यदि फोर्स लगेगा तो क्या होगा, उसमें मोशन होगा, चार्ज में क्या होगा, मोशन होगा। जब मोशन होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रहा ही नहीं, इसीलिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है टेंजेंशियल वैल्यू जो है अलोंग द सरफेस है जो जीरो हो, ठीक है वो कब होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, नॉर्मल होगा। किस पे, तो सरफेस पे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस राइट एवरी पॉइंट। ठीक है, थर्ड में क्या है कि देयर इज नो एक्सेस चार्ज एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर। ठीक है, अब क्या है कि सपोज कीजिए कि इनसाइड द कंडक्टर है, कोई भी एक्सेस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि एक्सेस चार्ज देंगे तो कहां चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा। इसका कारण ये है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन। यदि सेम चार्ज देंगे, यदि रहेगा तो क्या लगेगा, सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन फोर्स लगता है। यदि रिपल्सन फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा। इसलिए एक्सेस ऑफ चार्ज जो होता है वो कहां चला आता है, सरफेस पे चला आता है, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन कम लगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम। देखिए कोई भी शेप हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल जो होता है क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। और उसका जो वैल्यू होता है, वो जो वैल्यू क्या होगा, जो सरफेस पे वैल्यू होगा वही इनसाइड वैल्यू होगा। ठीक है, कोई भी पोटेंशियल जो वैल्यू क्या होगा, सरफेस पे होगा वही क्या होगा, इनसाइड द कंडक्टर होगा। ठीक है, कहीं पे भी यदि यहाँ पे जो वैल्यू होगा वही वैल्यू यहाँ पे होगा, 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 वही वैल्यू क्या होगा, ये सरफेस पे होगा थ्रू आउट द सरफेस। और वॉल्यूम क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का वैल्यू किसी भी कंडक्टर में क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कोई भी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, और यहां देखिए एन है जो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। देखिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट, है ना। तो हियर एन इज क्या है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। बताया भी है कि क्यों होगा नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये क्या है, एन है जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है वो क्या होगा, नॉर्मल टू द सरफेस होगा। एंड सिग्मा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को जो हम लोग यूज करते हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ रखने के लिए। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सेफ हो बता चुके हैं, ये कोई भी रेगुलर सेफ हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ए कंडक्टर क्या होता है, जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ए कैविटी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो कोई हेलो हम लोग कंडक्टर ले लेते हैं जिसके जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। तो यदि हम उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर रख देंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा। तो क्या रहेगा, मेरा जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से वो जो मेरा जो डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। क्योंकि कितना भी वैल्यू बढ़ जाए लेकिन यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक बात समझना है कि इसमें क्या होता है कि आप लोग देखते हैं कि यदि बिजली चमकता है ना, थंडरिंग है ना, तो उसमें क्या होता है कि यदि हम बस में हैं, ठीक है, कार में हैं, तो हम लोग ज्यादा सेफ है। ठीक है, इन साइड विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ और ट्री, यदि हम पेड़ के सामने खड़ा है, चाहे खुले मैदान में खड़ा है, ठीक है, और कोई बस बस में सफर कर रहा है और कार में सफर कर रहा है, तो जो बस और कार में सफर कर रहा है वो क्या है, वो ज्यादा सेफ है। क्यों भाई, क्योंकि बस और जो कार जो है वो किससे बनता है, कंडक्टर से बनता है, और कंडक्टर से बनेगा तो इनसाइड कंडक्टर जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। यदि बिजली चमकेगा, अनथंडरिंग होगा, तो क्या होगा, जो बस के अंदर जो बैठा हुआ आदमी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है, जीरो है। इसीलिए क्या होता है, जब थंडरिंग के केस में है तो जो बस के अंदर आदमी वो क्या है, ज्यादा सेफ है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ट्री। ठीक है, और दूसरी बात है कि इसको हम लोग अर्थ नहीं करेंगे। ठीक है, अर्थ देखिए, यहाँ पे देखिए कि इसका जो फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है क्या है कि वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड ए कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो, कोई भी कंडक्टर हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। देयरफॉर टू प्रोटेक्ट ए डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वी पुट देम इन हॉलो कंडक्टर, तो हम क्या करेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को हॉलो कंडक्टर में रख देंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसे हमें अर्थिंग देने की जरूरत नहीं पड़ता। देखिए, दे नॉट नीड बी अर्थेड, ठीक है, वैसा कंडक्टर को हमें अर्थ देने की कोई जरूरत नहीं पड़ता है। और सच कंडक्टर आर कॉल्ड फ्राइडे केज, ठीक है, वैसे हम लोग क्या कहेंगे, वैसा कंडक्टर को क्या कहेंगे, जो हॉलो कंडक्टर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्राइडे केज कहेंगे। ठीक है, तो जब ए दो नंबर में आप लोग आता है ट्वेल्थ क्लास में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में क्या लिखना है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स फिर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को सेफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ करने के लिए, है कि नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हॉलो कंडक्टर में रखते हैं। इसे हम लोग अर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिये ए शायद क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ये सब क्या क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा ये। ठीक है, तो इसे अर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले हमें डाइलेक्ट्रिक्स समझना है। तो डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है, इंसुलेटर इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग तो समझते हैं, दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यह ट्रांसमिट करता है विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, बिना इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किए हुए क्या है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। ठीक है, तो जो डाइलेक्ट्रिक जो होता है वो दो टाइप का होता है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स का जो सेंटर होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स के एक दूसरे पे क्या करते हैं, वो कॉइंसाइड करते हैं, अनसिमेट्रिकल शेप होता है, क्या होता है, सिमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। ठीक है, अब पोलर में क्या होगा, एसिमेट्रिकल शेप होगा। ठीक है, यानी उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो होगा, देखिए
पॉजिटिव और निगेटिव सेंटर जो होगा मॉलिक्यूल्स का वो कॉन्साइड नहीं करेगा। ठीक है, तो नॉन पोलर डायरेक्ट्रिक्स के एग्जाम्पल में क्या होगा, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि। देखिए यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर है, देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन का है, ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का, इसमें क्या है पॉजिटिव और निगेटिव जो है ये क्या कर रहे हैं एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहे हैं, यानी सिमेट्रिकल शेप में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोलर यानी क्या है HCl H2O HN3, यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए पोलराइजेशन हो रहा है ना, ये देखिए ये डायरेक्शन हुआ ये, ठीक है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे देखिए H2O का है ये स्ट्रक्चर से ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे क्या है ये दूसरे से कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं, ये क्या है एसिमेट्रिकल शेप है, जबकि ये सब CO2 H2O क्या है सिमेट्रिकल शेप है। ठीक है, तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, नॉन पोलर, और एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जिसका शेप होगा वो क्या कहलाएगा, पोलर डायलेक्ट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है डायलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो सबसे पहले हम समझना कि पोलराइजेशन क्या होता है, तो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन। ठीक है, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग दो टाइप्स को हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो हम बताए थे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज जो होता है उसका सेंटर क्या होता है, कॉन्साइड रहता है। तो देखिए वेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो क्या है एक दूसरे से क्या है कॉन्साइड है, सेंटर है। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो किधर जाएगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, पुश करेगा, और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव फील्ड, जिससे क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, फिर समझिए कि ये क्या है कि नॉन पोलर में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, कॉन्साइड करता है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, देखिए पॉजिटिव चार्ज पुल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्ज पुल इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, क्योंकि इस पे फोर्स लगेगा है ना, एक इजकल टू की हुई, कितना पॉजिटिव रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव रहेगा तो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए पॉजिटिव चार्ज किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, और नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके कारण क्या होगा, ए मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब है पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है कि एक्चुअली इसमें मोमेंटम होता है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या है, कॉन्साइड नहीं करता है, एसिमेट्रिकल शेप है इसका। लेकिन टोटल क्या है, टोटल मोमेंटम की बात करें तो क्या होता है, जीरो होता है। देखिए E इज इक्वल टू जीरो, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ना हो तो देखिए इसका शेप रेंडमली शेप है ना, क्या है, रेंडमली शेप है। तो यदि इसको टोटल मोमेंटम, यदि सबका इंडिविजुअल मोमेंटम है, लेकिन यदि टोटल मोमेंटम को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, जीरो होगा। देखिए डिफरेंट परमानेंट डायपोल्स आर ओरिएंटेड रेंडमली ड्यू टू द थर्मल एजिटेशन, सो द नेट डायपोल मोमेंट इज जीरो। लेकिन वेन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, जब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो इंडिविजुअल जो यहाँ पे है डायपोल मोमेंट जो है क्या होगा, वो क्या होगा, फील्ड के साथ क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इसमें क्या है, देखिए P क्या है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है ना, तो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है,
यदि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसको हटाएंगे तो क्या होगा, इक्वल के साइन आएगा और क्या आएगा, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, ची। देखिए इज प्रोनाउंस एज ची, है ना, और ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी क्या होता है, डिक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर। क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को क्या करता है, ये डिक्रीज करता है फॉर वैकम। ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यदि कोई मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, पोलराइज मॉलिक्यूल्स है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये जो है ई नोट क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे तो जो मॉलिक्यूल्स पोलर हो या नॉन पोलर हो क्या हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा। तो क्या है, पॉजिटिव चार्ज किधर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए ये सिग्मा पी क्या है, चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी का, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी का। ठीक है, ये डायरेक्शन जो होगा, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव, देखिए ये क्या है, पोलराइजेशन का डायरेक्शन है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन का ये डायरेक्शन है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। ठीक है, इसका खुद अपना क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की। ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू और क्या है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखिए दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा।